भूमि आ बेटा। भूमि अंदर आ। दादी पहले भाई भाभी का गृह प्रवेश कर लीजिए। हाँ जानकी, धरा वरुण और सुरभि का गृह प्रवेश करा। जी मैं किसी भूमि को नहीं चाहता, मेरा भूमि से कोई लेना देना नहीं। क्या क्या सोचा था मैंने, गृह प्रवेश एकदम फिल्मी स्टाइल में होगा मेरा, सब बहुत खुश होंगे, मस्ती होगी, पर इस भूमि की वजह से सब बर्बाद हो गया। हमारी वजह से हमारी पोती की जिंदगी खराब हो गई। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं बेटा, अरे हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था, तो शायद वसुंधरा जी मान जाती, लेकिन हम क्या करें, हमारी भूमि के लिए कितना अनाप शनाप बोल रहे थे। हमारी भूमि ने ऐसा कुछ ना किया है जिससे हमारी गर्दन शर्म से झुक जाए। अरे प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। हम सब जानते आपके लिए संस्कार, रीति रिवाज, इज्जत, ये सब कितने मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी सबके सामने आपने अपनी भूमि का साथ दिया। हम सबके लिए वो बहुत बड़ी बात है माँ जी। पर वैसे भी माँ जी, भाभी माँ तो उस बात को लेके अड़ी गई थी। आप उनसे उस समय कुछ भी कहती तो वो आपकी बात नहीं सुनती। हाँ माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, जे सारा दोष हमारा है। हमने ही भूमि की नौकरी के लिए आप सबको जबरदस्ती मनाया था। अरे ना राजेंद्र ना, इसमें तो हम सबकी गलती है। हम सब खुशी खुशी मान गए थे ना, तो फिर माँ अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। अब तो बस ये सोचना है कि आगे क्या किया जाए।
हमने तुम्हारी शादी की। मेरी शादी? हाँ, लेकिन बड़ी बाप मेरी बात तो सुनिए। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ बड़ी माँ। भाभी माँ, मान अपने कमरे में नहीं है। क्या मान सचमुच भूमि से प्यार करता है, इसीलिए वो शादी के लिए मना करता था? मान, तुम शराब पी कर आए हो? हाँ, मैंने हुआ। भूमि ही अंश की पसंद है। अगर अंश को भूमि नहीं मिले तो अंश मर जाएगा, समझे आप लोग?